नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मौजूद हों और हिंसा हो जाए, शहर जल उठे, शहर में सामान्य हालात से तनावपूर्ण माहौल बन जाए, सोचिए कैसी प्लानिंग रही होगी। मैं बात कर रही हूं कानपुर में हुई हिंसा की। आज मैं इस हिंसा पर पब्लिक के सवाल तो पूछूंगी ही, साथ ही दिखाऊंगी हिंसा की प्लानिंग के सबूत, दिखाऊंगी वो वीडियोस जो साबित करते हैं कि हिंसा के पीछे साजिश कितनी गहरी थी। क्या कानपुर से मोदी योगी के खिलाफ हिंसा वाला प्रयोग हुआ? आज सवाल पब्लिक का यही है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी है। हाशमी इस तस्वीर में कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी के साथ दिख रहा है। इमरान प्रताप गढ़ी को हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार भी बनाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाशमी के मोबाइल फोन में से 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं, जिनमें 3 जून को कानपुर बंद से जुड़ी बातचीत दर्ज है। ग्रुप के सदस्य मार्केट बंद होने की अलग अलग जगह की फोटो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। आप इस व्हाट्सएप मैसेज को ध्यान से देखिए। इसमें कानपुर के रहमानी बाजार के बंद होने की बात लिखी है, साथ ही लिखा गया है कि कुछ देर में वीडियो भी सामने होगा। 3 जून को हुई हिंसा के पहले का एक बेहद खास वीडियो भी सामने आ चुका है। ये वीडियो कानपुर के एक होटल में हुई मीटिंग का है। मीटिंग में मुस्लिम संस्थाओं से जुड़े लोगों के शामिल होने की बात कही गई। मीटिंग में बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। तो हम उम्मीद करें आप हजरात से कि ये जुमा का दिन जो बंदी का दिन है, आप तारीफ करते हैं। हम बंद करेंगे। इस मीटिंग में हयात जफर हाशमी शामिल हुआ था। मीटिंग की एक तस्वीर में हाशमी साफ नजर आ रहा है और ये पुलिस का दावा है। कानपुर की हिंसा में पेट्रोल बमों का इस्तेमाल भी हुआ था। आरोपों के मुताबिक पेट्रोल कानपुर के डेप्टी पड़ाव इलाके के पेट्रोल पंप से खरीदे गए। ये तस्वीर आप देखिए। पुलिस की जांच में ये तस्वीर खास अहमियत रख रही है। बोतल में पेट्रोल खरीद कर हिंसा में उसका इस्तेमाल करने की मोडस ऑपरेंडाई पर प्रशासन को कुछ लीड्स मिले हैं। फिलहाल तो बोतल में पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसे सील कर दिया गया है। 3 जून को हुई हिंसा की प्लानिंग का एक और वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो है हिंसा के बीच ठेले से पत्थर की डिलीवरी का। हिंसा करने वालों ने जमकर पथराव किया था। हिंसा के बीच फंसे लोगों को तो शिकार बनाया ही, पुलिस पर भी पथराव हुआ था। लेकिन अब हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की बारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी छानबीन के बाद 40 आरोपियों का एक पोस्टर उनकी तस्वीरों के साथ जारी किया है। कानपुर पुलिस ने फोन नंबर 9454403715 पर इन आरोपियों के बारे में आम लोगों से जानकारी मांगी है। उधर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने हिंसा वाले क्षेत्र, नई सड़क और यतीम खाने के आसपास बनी अवैध इमारतों का सर्वे भी किया है। आरोपों के मुताबिक इमारतों से 3 जून को पथराव हुआ था। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि योगी सरकार अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। कानपुर की हिंसा में हयात जफर हाशमी समेत 38 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
हाशमी के साथ उसके करीबी जावेद, सुफियान और राहिल को पुलिस अपने शिकंजे में ले चुकी है। हयात जफर हाशमी, जावेद, सुफियान और राहिल का संबंध कट्टरपंथी संगठन पीएफआई जैसे संगठनों के बारे में नाम पुलिस सामने रख रही है। पीएफआई की संस्था एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एआईआईसी और आरआईएफ की भूमिका इस मामले में हो सकती है, ऐसी आशंका है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। हाशमी के घर से पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं के दस्तावेज बरामद होने का दावा भी पुलिस कर रही है। हाल में राजस्थान के करौली से लेकर देश के कई शहरों में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामलों में भी पीएफआई का नाम सामने आया है। तो आज सवाल पब्लिक का इसी बात पर उठता है, क्या मोदी योगी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कानपुर में हिंसा की साजिश हुई थी? सवाल नंबर दो, करौली, दिल्ली, कानपुर हिंसा की हर स्क्रिप्ट एजेंसी क्यों होती है? और ज्यादातर हिंसा में पीएफआई लिंक की बात, तो पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लग रहा? आज यही है पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीज खां, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर जुनेद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और एके जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। मैं सबसे पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये संयोग हर बार होता है कि पत्थर डाले जाते हैं, मीटिंगों की तस्वीरें आती हैं, मिलकर सब ये तय करते हैं कि हाँ जुम्मे के दिन वहां पर पत्थरबाजी करेंगे, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रपति भी कानपुर में है और कानपुर में ही हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं और व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा जो पता चल रहा है, जो वीडियो प्रूफ से पता चल रहा है, वो सब आपके सामने है तथ्य। मैं पूछना चाहती हूं कि देश में अराजकता कौन फैला रहा है? 60 सेकंड में आप जवाब दीजिए, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति कानपुर में जब होते हैं, प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु हैं वो होते हैं, राष्ट्र और सारी संस्थाएं इंटेलिजेंस आईबी रो सब होती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं पढ़ रहा था पुलिस की रिपोर्ट कि 7 दिनों से साजिश चल रही थी, तो प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस और प्रदेश सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, कैसे फेलियर हो गई, इतने बड़े नेताओं को अपने ही घरों में जाने के लिए, तो देश विदेश में तो कब क्या हाल हो जाए कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी फेलियरिटी इंटेलिजेंस और इनके अफसरों की है। उसके बाद जिस तरह की घटनाएं, जो इस तरह के निंदनीय काम कोई भी देश में करे, वो किसी भी पार्टी के लोग हों या किसी भी पार्टी का एजेंडा हो, पॉलिटिकल विंडेक्टा हो, वो क्यों कराना चाहते हैं, वो सब निंदा के पात्र हैं। अब इसके पीछे अगर पूरी तरह से गहनता से जांच की जाए तो क्या कनेक्शन लिख लेंगे, जो जिससे ये पता चलता है कि आखिर ऐसी स्थिति, शर्मिंदगी की स्थिति, जहां डबल इंजन और 6 इंजन की सरकार हो, आखिर क्यों आई है? लेकिन वही सदा सदाया वाक्य, इसलिए है कि ये सूट करता है हिंदू मुस्लिम का आइटम, ये सूट करता है दंगों का आइटम वर्तमान में सरकार को। ये लोग कहते हैं, ये देश कहते हैं, संसार कह रहा है आज, भारत की जो छवि है, भारत की जो सेकुलर छवि है, भारत की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और एकता की छवि है, वो पूरे संसार में है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। आपके 60 सेकंड पूरे होते हैं, लेकिन याद जरूर करिएगा, करौली में भी हुआ था और मकबूल आज भी फरार है। कितने दिन हो गए? 2 अप्रैल से लेकर आज जून की 6 तारीख है, मतलूब अहमद आज भी फरार है। तो अगर आप देश की बात कर रहे हैं कि देश का सर नीचा हुआ है, तो किस किस ने सर नीचा किया है, इसका हिसाब जरूर रखिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप फिर कुछ बोलें, मैं बुलाती हूं शांतनु गुप्ता जी को। और शांतनु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये देश में इस तरह की आग और हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हम सबको, क्योंकि हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे तो काम नहीं बनेगा। देश हम सबका है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं पूछती हूं, आज ऐसा क्यों हो रहा है और कानपुर में भी ऐसा क्यों हुआ? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, पिछले 8 साल में देश में और पिछले 5-5.5 साल में उत्तर प्रदेश में
राजनीति की व्याकरण बदली है, राजनीति की व्याकरण उस तरह से बदली है कि अब आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करके, अपीज करके, जाति की पॉलिटिक्स करके चुनाव नहीं जीत सकते। अब आपको काम करना पड़ता है, एक्सप्रेस वे बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, विदेशों में भारत का नाम पड़ता है, तब राजनीति स्थापित करते हैं। और बाकी विपक्षी पार्टियां हाशिए पे आ चुकी हैं, तो उनके समर्थन से जो उनकी पुरानी राजनीति होती थी, जो तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, उसके जो फ्रिंज एलिमेंट है वो सड़कों पे आते हैं। उनसे उन्हें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की, योगी की चुनावी रणनीति में कोई काट नहीं है, तो सड़कों पे आ जाओ। CA है तो सड़कों पे आ जाओ, बिल पास होता है किसानों का तो सड़कों पे आ जाओ, अगर कोई कुछ बोल देता है तो सड़कों पे आ जाओ। तो मोबोक्रेसी, पत्थर वाली राजनीति ही उनके पास बची है और वही सड़कों पे दिखती है। लेकिन आपने कहा कि आज और ऐसा नहीं, अगर आप 2014 से पहले देखें तो ऐसा कोई साल नहीं था जब दो या तीन बम विस्फोट नहीं होते थे, एक कोई बड़ा दंगा नहीं होता था। ये तो सुबह होता है, शाम तक रुक जाता है, और ये दंगा भी नहीं है, दो दलों के बीच में नहीं है, एक 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 सामाजिक ग्रुप आता है और पुलिस उसको शाम तक न्यूट्रलाइज कर देती है। मैं सवाल अजीज खान साहब से भी पूछूंगी, जो अल्पसंख्यक हमारे गुरु हैं उनको सामने आना चाहिए। मैं अजीज खान साहब से भी पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, मैंने अजय वर्मा जी से भी पूछा कि ये हाशमी जैसे लोग सामने आते हैं, कांग्रेस से इनके कहीं ना कहीं तार कभी ना कभी के जुड़े हुए हैं, तो एक आता है निजाम कुरैशी का नाम, निजाम कुरैशी पर इल्ज़ाम अगर लगता है तो ये जनाब समाजवादी पार्टी से इनका कोई ना कोई रिश्तेदारी बताई जाती है, और फिर कहा जाता है कि 22 मई को तो हमने निकाल दिया था क्योंकि एक्टिव नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूँ, 22 मई को अगर आपने निकाल भी दिया, मैं मान भी लूँ कि आपने निकाल दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक रंग तो है ही ना इसमें, कि मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो बस कानपुर में ही हिंसा होनी चाहिए। ऐसा क्यों, हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? सत्ता आती जाती है, किसी के पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन सत्ता के कारण इस तरह का हिंसा, क्या ये सही है? सवाल मैं पूछ रही हूं और जवाब देने के लिए आपके पास है 7 सेकेंड। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है, मैं इको आ रहा है, प्लीज करेक्ट कर दे। देखिए, आपने कहा निजाम कुरैशी को 22 मई को निकाल दिया गया, इसमें निसंदेह वो हमारे पार्टी के मेंबर नहीं। दूसरी बात, हम किसी भी हिंसा को हम जायज नहीं ठहराते, हम उसकी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है, सब वीडियो के फुटेज आ रहे हैं, दुख इस बात का है कि साहब वो फुटेज जो है वो एक तरफा दिखाए जा रहे हैं। आखिर फुटेज दोनों तरफ के क्यों नहीं दिखाए जा रहे? पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? ये हमारा ब्लेम है, ये हम कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये पूरा देश कर रहा है, क्योंकि पत्थर दोनों तरफ से चल लेते, पहली बात। दूसरी बात, वाकई में अगर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है तो आखिर इसकी एक SIT क्यों नहीं गठित कर दी जा रही है, और जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है या रिटायर्ड जज है उससे इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ी अहम बात है कि आप देखिए, एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वजह से एक आपके 60 सेकंड खत्म हो गया। हाँ, आपके 60 सेकंड खत्म हुए हैं अब, और मैं इस वक्त प्रोफेसर जुनेद हारिस को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, सर क्या क्या हो गया है हमारे देश को? ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? ये पत्थरबाजी से किसका फायदा हो रहा है? और अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्या 5 साल हम अपने बच्चों को स्कूलों में जाने की जगह सड़कों में पत्थर लेकर भेजेंगे? और पेट्रोल बॉम्ब जब नजर आते हैं, मीटिंगें होती हैं एक हफ्ते पहले, तो उसका मतलब क्या है? कि पहले से ही प्लानिंग चल रही है कि भाई प्रधानमंत्री देश के आएंगे या मुख्यमंत्री आएंगे तो हमें ये सब करना है? ऐसा क्यों है? दोनों सत्ता देख लीजिए या विपक्ष देख लीजिए, अगर आप धर्म के तराजू पे तोलेंगे तो हिंदू बनाम मुस्लिम, ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? देखिए, जो बेसिक सवाल है हम वहाँ से बात शुरू करते हैं, और बेसिक सवाल ये है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान और तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ रहने की बात हुई,
तो उसी दिन से ये बात खत्म हो गई कि अब इस मुल्क का कोई और भी संविधान हो सकता है इस संविधान के अलावा, हमारा संविधान ही सर्वप्रथम होगा, सबसे ऊंचा होगा। अब न यहाँ पर इस्लामाइजेशन हो सकता है, न उसका हिंदुआइजेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये उन्माद की फिजा कहाँ से उठती है? आप देखिए, जब भी अगर इस्लामाइजेशन की बात हो रही है तब भी गलत है, लेकिन क्या इसी तरह से ये कहना नहीं चाहिए कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो वो भी गलत है? सवाल यहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है कि अभी नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी किया, बीजेपी ने उसे अपनी उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आप ये बताइए, ये पूरा का पूरा मामला तो वहीं से शुरू हो रहा है ना। और जहाँ तक दंगे का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दंगा कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये हुकूमत का फेलियोर समझा जाएगा कि दंगा और इंटेलिजेंस कैसे नाकाम होकर के रह गई थी। एके जैन जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं, आपके 60 सेकंड खत्म हुए अब। एके जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये पहले पता चलाया जाता है कि यहाँ मीटिंग हुई, तो कहते हैं आप तो मुसलमानों को मीटिंग भी करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर मीटिंग का पता चलता है तो कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर क्यों था, 7 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आपने पता क्यों नहीं लगाया। वो कहा जाता है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। मैं पुलिस की तरफ से पूछना चाहती हूँ जैन साहब, ये कितना मुश्किल है, और ये इस तरह का जो भी वाक्या हमने कानपुर में देखा है, क्या ये बिना प्लानिंग के और क्या ये बिना प्रयोग के हो सकता है, जिस तरह से कानपुर की ये हिंसा भड़की थी और घटी थी? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, जो मेरी कानपुर के पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि इनको डिस्कशन के लिए बुलाया गया था और इन लोगों ने अपनी कॉल वापस ले ली थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, उस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग रहेंगे कानपुर में, कानपुर देहात में। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी जा रहा है कानपुर नगर से कानपुर देहात, और ड्यूटीज लग रही हैं, तो उस दिन यहाँ पर कोई वहाँ पे कॉल की बंद नहीं होगी। ये बात मुझे कानपुर के पुलिस अधिकारियों से मैंने पूछी थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, उनको बिल्कुल स्पष्ट आश्वासन था। उसके बाद क्यों ये लोग जुम्मे की नमाज के बाद एकदम से सड़कों पर आ गए और बाजार बंद कराने लगे, जिसको लेकर झड़प हुई, उसके बाद पथराव हुआ, बाकी सब जो है सारे वीडियोस हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। कानपुर में फोर्स की कमी थी उस दिन, कानपुर नगर में, उसमें आने में थोड़ा सा समय लगा, पर जब पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे, उसके बाद और अधिकारी पहुंचे, उसको बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया गया। ये इसकी मैं तारीफ भी करना चाहूंगा, और जो भी, जैसे सभी वक्ताओं ने कहा है, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी प्रदेश में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहेंगे, जिसके ऊपर की सख्ती से रोक लगाया जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और अब मैं ये डिबेट खोल रही हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर जुनैद साहब से। जुनैद साहब, ये हमने पिछले 3 महीनों में, जब से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई हैं, या हमने खारगोन में देखा है, करौली में देखा है, हमने देखा है कानपुर में, मैं पूछना चाहती हूं कि ये जुम्मे की नमाज के बाद कई बार इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जुम्मे की नमाज के बाद हम पढ़ाई लिखाई की, देश में एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की बात नहीं कर सकते? ये जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की बात कहाँ से उठती है? और मैं ये नहीं कह रही कि पत्थर मारने वाले सिर्फ मुसलमान होते हैं, आपसे पूछूंगी तो जुम्मे की नमाज के बाद जो होते हैं घटना, और फिर शांतनु जी से भी पूछूंगी कि क्या दूसरी तरफ से जवाबदेही क्यों होती है, क्योंकि किसी साइड को तो रुकना पड़ेगा। मैं आपसे जुनैद साहब ये पूछना चाहती हूं कि ऐसा एसोसिएशन क्यों होता जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जहां तक जुमे के नमाज का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुमे की नमाज में जो कुछ भी होता है, अगर खुतबे को कोई सुन लिया जाए तो उसे समझ में आएगा कि वहां तो देश में निर्माण की बात होती है। इस जब चीज़ों की तहकीक होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जहां पर भी दंगे भड़के वहां पर क्या हुआ। सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जितने भी दंगे होते हैं इसमें नुकसान सिर्फ माइनॉरिटीज, सिर्फ मुसलमानों का होता है, आखिर क्यों वो दंगा भड़काना चाहेंगे। मैं कानपुर के हवाले से भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने, जैसा कि अभी कहा भी गया, कि जब उन्होंने क्लियरली अपने आप को ये कह दिया था कि नहीं अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे आखिरी मस्जिद जिसमें जुमा की नमाज हुई थी उसके बाद उनका खुद जो मुसलमानों का अप्रोच है इस सिलसिले में, वो कह रहे हैं कि वो जुमा की नमाज के दिन गैदरिंग तो होती है, उसके ऊपर पहले पत्थर बरसाया गया है और फिर उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई हुई है। तो मैं कहता हूँ आप मानेंगे कोई अराजकता, जो भी गलत हो, सुनिए आप जी जी, क्या ऐसे तत्व हैं? मैं हाँ। नहीं कह रही कि सारे मुसलमान खराब हैं या सारे हिंदू खराब हैं, पर क्या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरह का भड़काऊ काम करते हैं? नंबर एक, और नंबर दो, इनको रोकने के लिए हमें क्या पहल नहीं करनी चाहिए एज अ सोसाइटी? एकदम पहल करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है ऐसे होते हैं तभी ऐसा कुछ होता है, ऐसे होते नहीं तो नहीं होता। लेकिन ये हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी भी कम्युनिटी विशेष के लोगों में उस कमी को तलाश करने की कोशिश करें। जहां पर भी दंगाई हो, दंगाइयों को हमें दंगाई ही कहना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी दंगाइयों को प्रोत्साहन नहीं मिला है। लेकिन आप माफ़ कीजिएगा, 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उन्हें लोग दंगाई कहने से भी नहीं पर दंगाई कहने से परहेज करते, जबकि वो दंगाई ही तो थे ना। एक उग्र किस तरह से उन्होंने एक मस्जिद को तोड़ा था कानून को हाथ में लेकर के, तो दंगाई थे। तो दंगाइयों को दंगाई ही कहा जाए। जब हम उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं और जब हम उनको फूलों की माला पहनाना शुरू करते हैं तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि आइंदा भी इस तरह के फसादात किया करें। शांतनु गुप्ता जी, जवाब दीजिए, ये बात कहाँ तक सही है कि दंगाइयों को हम दंगाई नहीं कहते, हम एक खास धर्म के लोगों को दंगाई कहने में बिल्कुल फ्री रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ के इस तरह के तत्व शायद हम क्या कम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कम उनको नामांकित कर रहे हैं? नाविका जी, आप सड़क पर चलिए और जो आपको पहला बच्चा मिले उससे पूछिए कि चार्ली हेब्डो से लेकर, फ्रांस से लेकर, यूएस की बॉम्बिंग से लेकर, 26/11 से लेकर, 9/11 से लेकर, सीए के बाद 14 शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद राइड होते हैं, रामनवमी का प्रोसेशन जाता है, हनुमान जयंती का प्रोसेशन जाता है, उस पर पत्थर मारते हैं, जब एक कम्युनिटी के लोग होंगे तो आप दंगाई बोलेंगे उनको? मतलब मैं ऐसे दुनिया के हजारों केस में अगर 99.9% केस में एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं तो एक सड़क पर चलता हो बच्चा जिसको कोई जानकारी नहीं वो भी दंगाई बोलेगा? तो ये मुझे तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं बोलेगा दंगाई उनको, और उनको चैनल पे बैठ के लोग डिफेंड भी करते हैं। पर नहीं, ये, तो ये आरोप जो लग रहा है शांतनु जी, ये आरोप जो लग रहा है कि पत्थर पहले कहीं और से आए उसके बाद ये रिएक्शन था, इसका भी तो जवाब दीजिए फिर। वो जांच का विषय, पत्थर पहला कहां से चला हमने देखा था सीए के बाद, और कभी कहते हैं स्पॉन्टेनियस होता है, सीए के कानून बनने के एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में 14 शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद एकदम से आगजनी हो जाती है, वो प्लान नहीं था, वो स्पॉन्टेनियस था। तो एक केस नहीं है उसमें, एक पत्थर कहीं से आया तो एक पत्थर कहीं से आ भी गया तो पूरी आके पूरा शहर जला दिया जाएगा। ये भारत के लोग हैं, अपने भारत को भी सजा फांसी है, 100 की सजा भी फांसी है, कानपुर के निवासी हैं। पर बात जो मुद्दे की बात है, और अजय वर्मा जी, ऐसे अपने शहर, अजय वर्मा जी, मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, आपसे और डॉक्टर अजीज खान से, मेरा सवाल ये है क्या ये राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं? मैं आ रही हूँ प्रोफेसर जुनेद साहब, मैं आ रही हूँ, मैंने अजय वर्मा जी से पूछा है क्या ये राजनीतिक प्रयोग है, क्या ये बिल्कुल, क्या ये बिल्कुल पूरा विपक्ष हाशिए पे है? देखिए चुनाव में नाविका पूरा विपक्ष हाशिए पे है, जाने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ हिंदुस्तान की इस कौमी एक जेती की बात हो रही है, हिंदुस्तान के माहौल की बात हो रही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काफिले पे जब ये स्टेज हो रही है उसकी बात हो रही है, ये पता नहीं कौन सा एजेंडा चलाने के लिए बिना चेहरा लिए बैठे हैं लोग, मैं उस पर नहीं जा रहा। आप नाविका जी मुझसे पूछ रही हैं, ये वास्तव में सहयोग नहीं, प्रयोग है, और ये प्रयोग जो है, किसी बालक को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तभी दंगा करेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तभी दंगा करेंगे, राष्ट्रपति आएंगे तभी दंगा करेंगे, आप ही बोल लीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। ये तो
जी अब आप बोलिए शांतनु जी, मैं आपको समय दूंगी रिबट करने का। अजय वर्मा जी, नाविका जी, ये वास्तव में सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग जिसको सूटे होता है, जिसको सूटेबल होता है। आज देखिए कि भारत को जब देश ने नहीं बल्कि कितनी सारी कंट्रियों ने उसके विरुद्ध एक चीजें लिखी, कहीं बुलाए उनके राजदूतों को। आज से 7 दिन पहले ये तो छोटे बलि के बकरे बने हैं, नवीन कुमार और आपकी दूसरी जो है इनका नाम जो भी है, गिरिराज किशोर जी क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वर्तमान में MP हैं, और अगर गूगल पर डालें तो आदतन अपराधी लिखा हुआ आता है और पीछे के केस लिखे आते हैं। 77 MP जो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी के और सारे छोड़कर, मैं बता तो रहा हूं, नहीं नहीं बात ये है, 77 MP जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, एक तरफ की तो मैं आपका सच भी आपको, चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, अगर उनके पुराने वो कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ दिखाए जाएं, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं कि वो यूथ कांग्रेस का आप उसे बता वो था कभी, तो ऐसे तो ये 77 MP जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं, सिंधिया साहब हैं और कितने सारे लोग हैं, अगर उनके स्टेटमेंट आप देखेंगी तो उनको तो फिर फांसी पे हंग कर दिए जाएंगे अगर ऐसी बात है। तो ये चीजें जो एक तरफा होती हैं ये बिल्कुल जायज नहीं है, दोनों तरफा की चीजें, ये देश भारत की कौमी एकजुटी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफा कह रही है, मैं ये कह रही हूं, मैं सवाल ये पूछ रही हूं, और यही सवाल मैं अजीज खान साहब से भी पूछूंगी। अजीज खान साहब, क्या ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है के कुरैशी साहब, निज़ाम कुरैशी जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं और हाशमी जी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए आते हैं, आज सड़कों पे चलने वाला आम आदमी क्या यही पूछेगा कि भाई ये लोग इलेक्शन में तो जीत नहीं पाए, अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इनके बनाए हुए प्रयोग हैं जिसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी। वो पत्थर जब चलते हैं उसमें गिरता मरता कौन है? कोई नेता नहीं मरता, किसी नेता को नहीं लगती चोट, बच्चों को लगती है, आम आदमियों औरतों को लगती है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये इत्तेफाक है कि कांग्रेस कनेक्शन निकलता है, समाजवादी पार्टी कनेक्शन निकलता है, ऐसा क्यों है? देखिए नाविका जी, बहुत ही शानदार सवाल है, बेहतरीन बात आपने पूछी कि ये संयोग है या प्रयोग है। मैं तो इसको बहुत ही बोल्डली इस बात को कहूंगा कि यह प्रयोग है। आप देखिए, अभी रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, और इससे थोड़े दिन पहले ही आप देखिए नुपुर शर्मा का किस तरीके से बयान आता है, एक आस्था से खिलवाड़ करने का, धार्मिक उन्माद पैदा करने का, आखिर इस तरीके का बयान जो आ रहा है या जो आया आखिर क्यों आया, आप इस बात को अंदाजा लगा सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि वो नुपुर शर्मा जिनकी वजह से आप समझिए भारत कितना संसार हुआ, जरा अंदाजा लगाएं आप कि भारत जैसे देश को एक छोटा सा मुल्क आग दिखा रहा है, सब कह रहा भारत माफी मांगे, इसको 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 शायद इसको कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी तो बीजेपी मैं कभी भी मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो लफ्ज कहे गए थे वो सही हैं या मैं कभी चैनल और नुपुर शर्मा के जो लफ्ज हैं उनको कोई, आपको आपका धर्म प्यारा है, किसी और को अपना धर्म प्यारा होगा, हमें हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, इसमें कोई छोटा नहीं होता, लेकिन हम भी उसको कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए। इस अपने शब्दों से आप देश का सोशल फैब्रिक तो आपके लिए नहीं, लेकिन सोशल फैब्रिक तो खत्म मत करिए यहाँ। मैं ये कह रही हूँ, आप सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं अजीज खान साहब, मैं आप इससे पहले कि आपके पास आऊं, मैं अजय वर्मा जी से पूछती हूँ, कौन गया था लंदन में और जाके कह रहा था कि इस देश पे केरोसिन छिड़का हुआ है, बस आग लगने की देर है, कौन कह रहा था? आज वही पेट्रोल बम मिले कि नहीं? अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर देश की समस्याओं को उठाना इंटरनेशनल उस पर ये गुनाह है, तो ये गुनाह कांग्रेस के लोग, अजय वर्मा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब काम हम करेंगे? नहीं, बोतलों में जा रही है, हिंसा फैल रही है, राहुल गांधी ने कहा था, कैसे उत्तर प्रदेश की योगी की स्टेट में चिड़िया पर नहीं मार सकती, बुलडोजर चल जाते हैं, ये कैसे हो गया? इस्तीफा होना चाहिए गृह मंत्री का, और पुलिस के बड़े अफसर हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा दे चुके हैं और बनते ही नहीं अध्यक्ष, तो उनका तो इस्तीफा हो ही नहीं बैठे हैं, अगर इस तरह का उनकी जिम्मेदारी अगर फिक्स नहीं करी जाएगी, माफ कीजिएगा, बड़े बड़े नाविका जी जो ये चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, इस देश में राहुल गांधी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संवैधानिक पद है,
वो भी एक संवैधानिक पद है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो अमेठी से हो चाहे वायनाड से हो। अगर आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किसी और को होना चाहिए तो राहुल गांधी को भी होना चाहिए। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं अजीज खान साहब? मैं पूछना चाह रही हूं, एक मिनट नाविका जी, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, सरकार सत्ता में नहीं है तो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो थे वो रहेंगे। अब अजीज खान साहब, अभी अजय जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप, सवाल मुझसे किया गया, मुझसे बात करने दें आप, अहम मसला है भाई। एक तरफ देखिए, पहले बात कंप्लीट करने दें। देखिए, एक तरफ तो भागवत जी कह रहे हैं कि साहब हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब मुसलमान जो है मुसलमान के बगैर हिंदू अधूरा है। अब देखिए, एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम और हिंदू का पूर्वज एक है। एक तरफ आप देखिए गुलदस्ते की बात हो रही है, कौमी इत्तेहाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ इनकी प्रवक्ता किस तरीके से नफरत का बीज बो रही है। हम जानना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस में देखिए, एक तरफ तो कहीं ना कहीं साठगांठ देखिए आप, और दूसरी तरफ नफरत का बीज बोने के लिए दोनों में कैसे मिलीभगत है, आप इस बात को समझिए पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आपने कहा साहब दंगा कैसे भड़का, जिस जिले में देश का मुखिया हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम, वहां इंटेलिजेंस कैसे फेल्योर हो गई, कैसे इतना बड़ा दंगा हो गया? अगर वो शहर सुरक्षित नहीं है तो पूरा देश सुरक्षित कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप विपक्ष में है, नहीं नहीं, अगर आप विपक्ष में है तो आपका धर्म सिर्फ सवाल पूछना है, आपकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है, आपकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है कि ये निजाम कुरैशी कहां से लिंकेज होती है। चलिए मैं एके जैन साहब से पूछती हूँ, डीजीपी रह चुके हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, इस बात की इंटेलिजेंस थी कि ये यहाँ पर प्रदर्शन होगा और बंद कराया जाएगा, पर एक बात मैं समझता हूँ, हम लोग भी जेलों में रहे हैं, अगर एक बार मीटिंग कर लिया करते थे और बात हो जाती थी तो उसके बाद कोई भी वायदा खिलाफी कभी नहीं होती थी। ये मैं क्यों हुआ कि मेरी समझ के बाहर है। मैंने जो कानपुर के पुलिस अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, उन्होंने कहा ठीक है पीएम रहेंगे उस दिन, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ कोई 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 वो नहीं होगा। बरेली में भी एक आध जगह जुलूस निकाला गया, उन्होंने ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन देकर वो लोग चले गए। यहाँ पर जिस प्रकार की हिंसा हुई है मैं इसको समझ के बिल्कुल बाहर है, और एसआईटी का गठन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें वरिष्ठ अधिकारी इसमें लगेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, जो मीडिया सोशल मीडिया को थोड़ा ट्रैक करेंगे, आइडिया सब पता चल जाएगा, कोई चीज छुपने वाली नहीं है कि कैसे प्लानिंग हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे। और मैं एज पूर्व पुलिस अधिकारी यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस घटना में शामिल था, ये घटना बड़ी खराब है, और पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री कानपुर में थे तो हिंसा हुई वहां पे, एक घटना हुई वहां पे, हालांकि उसका बहुत बहुत शीघ्र पर्दाफाश कर दिया गया, पर ये जो घटना हुई ये बहुत खराब थी। उसी दिन इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है, प्रदेश को एक नई दिशा देने की बात हो रही है, सब लोग मिलजुल के रहे समाज में और आगे उद्योग धंधे लगे, बेरोजगारी खत्म हो, ऊपर से ये सब चल निकला। तो मैं ये समझता हूँ इसकी तह तक जाकर, और पुलिस फोर्स को ये चाहिए कि जो भी इसके अराजक तत्व हैं, जो इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की कोई हिमाकत न कर सके प्रदेश में। मैं इससे पहले के जाऊं प्रोफेसर जुनेद और शांतनु जी के पास, मैं लेना चाहती हूँ पब्लिक के सवाल, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का शो है और पब्लिक हम सब की बॉस होती है। तो पहले सुनते हैं ऋषिकेश से अनिरुद्ध जैन का ये सवाल और मिर्जापुर से सुरभि शाह का सवाल। मेरा सवाल यह है कि कानपुर, करौली और खरगोन, इन सभी जगहों पे हिंसा का एक ही जैसा पैटर्न है, क्या सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस से कोई भारी चूक हो रही है? मेरा सवाल यह है, हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सरकार यह बताए कि आज देश का माहौल इतना पोलराइज्ड क्यों है? पूछना चाहती हूँ जुनेद साहब के सेम मोडस ऑपरेंडाई कैसे होता है करौली, खरगोन और कानपुर में, क्या इसमें कोई एक तरह का एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहा? ये जनता सवाल पूछ रही है।
ये तो पुलिस बताएगी, ये जाहिर सी बात है कि मुझसे रिलेटेड नहीं है, पुलिस बताएगी। लेकिन इससे पहले तो जो शांतनु जी से मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि याद रखेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1992 में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, क्या ये उग्रवादी कहने को तैयार हैं, जो बेसिक सवाल था। अब मैं एक दूसरी बात में अभी कहना चाहता हूँ कि इसी मुल्क के अंदर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में मैं गया और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में लोग जूते उतार कर जा रहे थे, अगत्ती जो वहाँ का जो मेन वो है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है भाई, तो पता ये चला कि यहाँ पर क्राइम ही नहीं है, इसलिए पुलिस को कोई और काम ही नहीं रहता, इसलिए लोग रेत ना चला जाए पुलिस स्टेशन के अंदर, इसलिए जूता उतार करके जाते हैं। और वहाँ पर 100% आप कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी है। तो इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था कि जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पर उग्रवादी हैं, तो ये थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात को भी देख लेते तो समझ में आ जाता। पर चार्ली हेब्दू बहुत अच्छी बात है कि लक्षद्वीप पे ऐसा होता है। तो जुनैद साहब, एक मैं सवालों के जवाब शांतनु जी से लेती हूँ, पर उससे पहले एक सवाल पूछ लूं कि जैन साहब ने बड़ा सीधा कहा कि पहले भी ऐसे होता था कॉल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन जब बातचीत हो जाती थी उसके बाद वादा खिलाफी नहीं होती थी। ये वादा खिलाफी क्यों होना भी नहीं चाहिए? नहीं तो इसका कारण क्या है? देखिए, उन लोगों का तो बयान यही है कि हमने वादा खिलाफी नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत है ना। हुकूमत, देखिए हुकूमत को सहयोग करना हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी जो है, अगर जो हुकूमत को सहयोग नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है, और वादा करके वादा खिलाफी करना तो मुसलमान का तरीका हो ही नहीं सकता, इस्लाम के भी ये विरुद्ध है। और जाहिर से बात है कि मुल्क का कानून तो उसको गलत कह ही रहा है। इसको कौन फेवर कर रहा है कि जो है वो जो है उन्होंने वादा किया और उसके बाद बंद किया? वो तो कही, मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों की तरफ से जो वर्जन आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे तो हमारे ऊपर लोगों ने पथराव किया और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो यही बंद को हम यही दिल्ली में हुआ, यही दिल्ली में, यही करौली में, यही खरगोन में, यही कानपुर में, हर बार उन पर कोई पत्थर फेंक देता है और वो आग लगा देते हैं, और ये सिलसिला हाथ से बाहर चला जाता है। मैं ये कहती हूँ कि क्या बुद्धिजीवियों को दोनों तरफ के बुद्धिजीवियों को कहीं ना कहीं बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए या नहीं, ये शायद हमारे देश में इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस डिबेट में आगे जाऊं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी नमस्कार, और सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कानपुर में जो हुआ क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ के आ रहा है पब्लिक से भी और यहां बैठे प्रवक्ताओं से भी। नहीं नविका जी, ये गलत है, क्योंकि ये जब इन लोगों ने कहा जरूर था कि इन लोग इसका विरोध कुछ करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं या रैली निकालना चाहते हैं, तो उसके उस दिन पुलिस के साथ इन लोग की बातचीत भी हुई है, और पुलिस ने उन लोग से बोला कि उस दिन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, तो उन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, हम लोग ये काम आज नहीं करेंगे, इसलिए उसको कॉल ऑफ किया गया था। तो जब कॉल ऑफ कर देते हैं तो इस टाइप के जो पॉलिटिकल या इस टाइप की संस्थाएं होती हैं वो जनरली फिर वो कार्रवाई नहीं करते हैं या डेमोंस्ट्रेशंस नहीं करते हैं, मगर एक प्रकार से उनकी वादा खिलाफी हो जाती है। तो उन्होंने उसको नहीं किया था, यही मान के चले थे, तो थोड़ा सा पुलिस रिलैक्स, मगर इनका इंटेंशन जरूर था। तो वहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि उनको जजमेंट में कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई है, लेकिन ओवरऑल कोई गलती नहीं थी। उसको टोटल इमीडिएटली कंट्रोल करना, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस का जो एक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना, उनका जो हाशमी है, हाशमी के साथ जितने व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं वो काफ़ी उन लोगों ने खुरापात मचाई थी, लोगों को वहाँ पे भड़का के तुरंत इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें सामने जरूर आई हैं, उन पर कार्रवाई होगी और जो कानून है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारा पिछले 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जब 800 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए 21 अरब रुपए की हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उनसे वसूली भी की है।
मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी ये पूछना चाहती हूँ कि निजाम कुरैशी और हाशमी दो नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम रखता है रिश्ता समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस से, चाहे वो अब नहीं है, डिस्टेंट कर लिया है पार्टीज ने, लेकिन क्या ये एक संयोग है, इत्तेफाक है? नहीं, कभी ये संयोग नहीं देख रहा मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये षड्यंत्र मानता हूँ। और ये इसलिए मानता हूँ नाविका जी, क्योंकि 2017 से जब पे हमारी सरकार आई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा इन लोगों ने जो प्रयास किया, क्योंकि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं बड़ी बन पाई उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में, मगर इन लोगों ने जो शुरुआत करी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग उनसे या तार जुड़े हुए जरूर पाए गए हैं जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है। यहाँ तक कि NRC और CAA के दौरान भी हमने ये देखा है, क्योंकि इसी प्रकार से इन लोगों ने ये हिंसा करने का प्रयास किया। वहाँ पर भी ये था कि हम लोग को हजरतगंज के आगे जाने दीजिए, हम लोग पीसफुल रहेंगे, हम वहाँ पे जाके नारेबाजी करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। मगर उसके बीच में भी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं धरना प्रदर्शन कहीं हम लोग अलाउ न करें तो ये लोकतंत्र की भी हत्या होगी, और उसमें मीडिया भी चलेगी, जनता भी चिल्लाएगी, लेकिन उसके साथ वो पत्थर लेके चल रहे गलियों के अंदर, ये तो आज तक नहीं देखा गया। तो ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में हम लोग मानते हैं ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को जिस दिन इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिस दिन प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके अंदर ये पीछे से ये कार्य करा जा रहा है और वादा खिलाफी के साथ करा जा रहा है, तो ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नुपुर शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है जिस पर बहुत आपत्ति जताई गई है, ना सिर्फ देश के अंदर पर देश के बाहर भी, क्या ये आग में घी का काम नहीं करता, और कहीं ना कहीं क्या आपकी पार्टी भी दोषी तो नहीं? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत स्पष्ट कर रखा है, तो उसके साथ जोड़ना गलत होएगा। नुपुर शर्मा ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो तहस में उन्होंने कुछ जो बोला हो, मैं उसका मैं डिफेंस लाइन नहीं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड उस पर क्लियर कर रखा है, और साथ साथ जो MEA है उसने भी अपना स्टैंड दे चुका है, तो इस पर और स्पष्टीकरण मेरी तरफ से आए ये उचित भी नहीं होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, आज 40 लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कल 40 बुलडोजर चलेंगे? नहीं, देखिए ये कार्रवाई पूरी होगी, एक प्रोसेस जो होता है लॉ का, कानून का जो होता है उसके तहत होगी, उसमें से कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ और अरेस्ट होने हैं, वो भी हो जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन प्रोसेस है जो कानून कहता है उसके तहत करते हुए जहां आवश्यकता पड़ेगी वो संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा, उनसे रिकवरी भी की जाएगी, और जहां पे आवश्यकता पड़ गई तो बुलडोजर जरूर चलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव सेट हो गया उसकी वजह से ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं, नंबर एक? और नंबर दो, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सत्ता पक्ष जो होती है उसका ये कर्तव्य नहीं होता कि पूरे सिचुएशन पर एक बड़ा दिल रखें? और दूसरा, लोगों ने आरोप भी लगाया है कि पहला पत्थर किसने मारा, ये भी तो तहकीकात का विषय नहीं? जरूर होगा तहकीकात का, SIT बनी है और उसमें जरूर होएगा कि किसने पहला पत्थर चलाया, और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी और आने वाले समय में। मगर ये जरूर है कि ये जो इतने लोग इकट्ठे करे जा रहे थे, इतने पत्थर इकट्ठे करे जा रहे थे, और वो पत्थर फेंके किस तरफ से ज़्यादा जा रहे थे, ये सब चीज़ भी कार्रवाई में आएगी। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाशमी जी का रोल इसमें बढ़ चढ़ के रहा है। और लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव है नाविका जी, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव तो हमारी पार्टी से कोई इसको विभाजित करने की बात नहीं करता है, सांप्रदायिकता का रुख नहीं देना चाहता है, हम लोग जिनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो हम लोग के लिए आदरणीय हैं। हमारे संघ के संघ संचालक जी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा, उन्होंने तो बयान जो दिया है,
उसके बारे में, उससे तो हम पूरा मार्गदर्शन लेके आगे की कार्रवाई और आगे की रणनीति भी तैयार करते हैं। उन्होंने तो कहा है और जो कहा है वो स्पष्ट है कि हर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप इतना खुल के बोल रहे हैं तो मैं ये शो है सवाल पब्लिक का, पब्लिक के दो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि आज जवाबदेही शायद उत्तर प्रदेश की और बीजेपी की बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार की और बीजेपी की। पब्लिक के सवाल जरूर सुनिएगा और उनके जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश से दीपक का सवाल है और दीपक का कहना है कि देश में इस तरह की अराजकता क्यों फैलाई जा रही है, इसका कारण, मूल कारण क्या है? नहीं देखिए, कोई अराजकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके माध्यम से नहीं फैलाई जा रही है। इस समय जो पिछले 70 साल से एक व्यवस्था बना रखी थी, जो व्यवस्था बनाई थी उसमें एक जो तुष्टिकरण की व्यवस्था थी, आज वो तुष्टिकरण खत्म किया जा रहा है और उन चंद लोगों को इसमें तकलीफ होती है और कहीं कोर्ट के माध्यम से कुछ निर्णय हो जाता है, वो पार्टी के साथ या सरकारों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, वो कोर्ट का निर्णय होता है। और हम लोगों का जो स्टैंड है वो तो साफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, और वही हम लोगों को मार्गदर्शन RSS से भी मिल रहा है, और वो भी यही है कि सबका साथ सबका विकास ले करना है और सबको सबका विश्वास लेके चलना है। जो है यहाँ पर वो हम सब एक हैं और हम लोग एक दूसरे की कि जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई हम लोग दूसरा राम मंदिर के तहत का हम लोग कोई आंदोलन लेकर आ रहे। ये जितनी चीजें हैं वो स्पष्ट हैं कि भाईचारा की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS। तो इसको सरकारों से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ जोड़ना, ये नाइंसाफी होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पब्लिक के सवालों के जवाब भी देने के लिए आपका धन्यवाद। और विश्वास, शायद विश्वास एक शब्द है जिसका हमें, हम सबको आदर करना चाहिए और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और मोदी सरकार ने बीते 8 साल में एक खास तमका हासिल किया है। वो तमका ये है कि इन 8 सालों में देश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है, देश भर में होने वाली आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगी है और सबको साथ लेकर चलने का प्लेटफॉर्म दिया गया है। सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी इसका सबूत है। लेकिन इस साल की शुरुआत से ही देश में हिजाब से लेकर लाउडस्पीकर जैसे मामले खड़े किए गए हैं, हिंदू यात्राओं पर पथराव की घटनाएं हुई हैं, ये सब एक पैटर्न दिखाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि दंगाइयों का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन देश में इस तरह का कम्युनल रिफ्ट और एक दूसरे के बीच में, दिलों के बीच में खाई डालना, ये तस्वीर पेश करने की एक कोशिश की जा रही है। ये कोशिश खतरनाक है। हम भारत के लोगों को ही इस खतरनाक कोशिश को नाकाम करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, देश आगे बढ़ेगा। और आज से हम सब पुरजोर यही कोशिश करेंगे, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, चाहे हम किसी भी राज्य से हों, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे हम बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों या आदमी हों, हम सबको खाइयां भरनी पड़ेंगी, दिलों को करीब लाना पड़ेगा, क्योंकि एक तार है जो हम सबको जोड़ता है और वो तार है हमारी भारतीयता, भारतीयता का तार जो कांग्रेस से बीजेपी से समाजवादी पार्टी से अन्य पार्टियों तक जाता है, वो तार भारतीयता का जो मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सबको जोड़ता है। बस इन तारों को ढूंढिए, क्योंकि इन तारों से ही सुर निकलेगा और मिलेगा आपका और हमारा सुर। बस आज यही है मेरा नजरिया और इस शो पर इतना ही, इस डिबेट पर। आगे देखिए आज दिन भर की 50 बड़ी खबरें।